पूरा जब पूरी तरीके से सूख जाता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से देखिए, ये कुछ कलर्स है जो कि इस पर किए जा रहे हैं। आपको पता होगा जब ये रामपथ मार्ग बन रहा था तो उसमें भी यही चीज़ों का यूज़ किया गया था। मैंने आपको देखा, यहाँ पे देखिए प्रभु श्री राम जी और माँ सबरी का जो है यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है, पेंटिंग लगाई गई है। और ये है गाय की पेंटिंग, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई बिल्कुल रियल में है ऐसा ये पेंटिंग बनाई गई है। उसका बच्चा भी है गाय का और इधर गाय की पेंटिंग है ये देखिए। और एक इधर पेंटिंग बनाई गई, इसी का हूबहू यहाँ पे बना दिया। जय श्री राम दोस्तों, मैं बलवंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने और एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज वाले ब्लॉग में आपको दिखाएंगे टेढ़ी बाजार टू मोहबरा वाला जो मार्ग बनाया गया है। जैसे कि बोला जाता है कि प्रभु श्री राम जी के मंदिर तक जाने के लिए काफ़ी खूबसूरत मार्ग ये बनाया गया है, तो इस मार्ग पर कुछ नई चीज़ें की जा रही हैं, कुछ अपडेट किया जा रहा है, वो चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे, पूरा आपको दिखाने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है ब्लॉग को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। बाकी चलिए दिखाना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपको चूड़ामणि चौराहा देखने को मिल जाएगा, यहाँ से जो है परिक्रमा जाता है, इधर से पचकोसी परिक्रमा मार्ग है ये। और सामने अगर आप लोग जाते हैं तो NH 27 आपको मिलता है, और यहाँ से आप अगर सीधे यहाँ से जाते हो तो इधर आपको प्रभु श्री राम जी के मंदिर तक जा सकते हो, दर्शन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ तो ये इधर जो ये मार्ग बनाया गया है, जस्ट बगल जो है डक्ट बनाए गए हैं, उसके ऊपर कुछ कलर्स वगैरह किया जा रहा है, वो चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। जैसे कि इधर देखिएगा ये डक्ट बना हुआ है काफ़ी चौड़ा, तो इस पर जो है कुछ कलर्स किए जा रहे हैं उस साइड पर। अब चलिए आपको मैं आपको थोड़ा सा इधर दिखाता हूँ कि ये जो है कैसे किए जा रहे हैं। तो उधर देखिएगा इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से देखिए, ये कुछ कलर्स है जो कि इस पर किए जा रहे हैं। आपको पता होगा जब ये रामपथ मार्ग बन रहा था तो उसमें भी यही चीज़ों का यूज़ किया गया था, मैंने आपको दिखाया था। अगर आप लोग पुराने व्यूअर हो हमारे तो आपको पता होगा इस तरीके से देखिए किया जा रहा। अब इस पर जो है कुछ डिज़ाइनें भी बनाते हैं, जो डिज़ाइन बन जाती है अभी आगे आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से जो है देखने में लगता है। ये देखिए इधर से कुछ बन रहा है, और इधर जो है ये पौधों के लिए ये चीज़ें जो सीमेंट के बना के यहाँ पे रखा गया है, देखिए पौधे लगा दिए गए थे टाइम से, और अब जो है प्रॉपर तरीके से पौधे देखिए ये बड़े बड़े हो चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा ये देखिए, इसमें कुछ फूल वगैरह लगाया गया है, कुछ पौधे हैं ये देखिए, और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हैं कि प्रॉपर तरीके से देखिए खाद वगैरह भी डाले हैं, उसमें पानी भी डाल रहे हैं टाइम टाइम से। तो ऐसे चलिए आपको दिखाते हैं आगे कैसे जो है सूखने के बाद किस तरीके से लगता है और क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से बनाया जाता है, देखिए पूरा जब सूख जाता है तो इस तरीके से डिज़ाइन इस पर दे देते हैं, कुछ ईंट नुमा बोल सकते हो इस तरीके से, ये थोड़ा थोड़ा सा जो है कट वगैरह कर देते हैं। देखिए अभी ये बिल्कुल ताज़ा है, अभी ये जस्ट बनाए, और इसके बाद जो है इस तरीके से अभी डिज़ाइन दे देंगे थोड़ा सा सूखने के बाद, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा। देखिए ये अब इतना आप देखिए इतना मोटा लेयर का यूज़ किया जाता है, देखिए ये पुराना वाला है ये इतना सा, और कुछ इतने मोटे जो है लेयर्स का यूज़ करके इसको जो है बनाया गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ आगे थोड़ा सा, ये देख पाइएगा, और ये है पूरा मार्ग। अभी जैसे कि इधर आप देख पा रहे हो वैसे जो है सेम चीज़ें उस साइड पर भी होगा, उधर भी वैसे ही पूरा सेम किया जाएगा। ये देखिए पूरा जब पूरी तरीके से सूख जाता है तो कुछ इस तरीके से हो जाता है। ये देखिए बहुत बढ़िया, कुछ इस तरीके से ये हो जाता है दोस्तों। और अभी देखिए ये काम चल रहा है और काफ़ी खूबसूरत भी लगता है, देखिए बहुत ही अच्छा। और ऐसे ही आगे कर रहे हैं, और भी जो कुछ अपडेट हैं बाकी आगे चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कुछ इस तरीके से ये आपको देखने को मिलेगा, इधर देखिए पूरा पानी भरा हुआ जो इधर बारिश हुई थी, और इसको जो है गवर्नमेंट को देखना चाहिए वो इसलिए क्योंकि मैं आपको अब दिखाता हूँ। अभी देखिए इतना पानी भरा हुआ, और बिल्कुल ये जो है वो डक्ट के बगल में ही है, थोड़ा सा ही बच रहा है, बाकी अगर ये और भी भरा तो डक्ट के बाहर आ जाएगा, यानी मार्ग पर यह आ जाएगा। ठीक है, तो इसको देखना चाहिए। और इधर देखिए ये जो पौधे वगैरह लगाए गए थे, देखिए इसमें फूल आ गया है इस तरीके से। भाई देखभाल करेंगे तो पूरा मार्ग काफ़ी खूबसूरत लगेगा, क्योंकि चीज़ों को तो काफ़ी अच्छे से लगाया गया है, बस देखभाल करना चाहिए। बाकी ये लाइटें आप देखिएगा, इसको मैंने आपको दिखाया था, देखिए इसमें लिखा हुआ है जय श्री राम, ये देखिए, और येलो कलर की जो है लाइटें जलती हैं, नाइट में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है देखने में। ये देखिएगा कुछ इस तरीके से। बाकी चलिए आपको आगे दिखाते हैं आगे का क्या क्या चीज़ें और भी अपडेट
किए जा रहे हैं। उस साइड पर भी देखिए पूरा देखिए इधर कलर्स कर दिए हैं, जितना इधर डक्ट बना हुआ था देखिए पूरे भी देखिए रेड कलर का पूरा ये कर दिए हैं अच्छे से कलर्स, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब इधर जो है ये चीज़ें इधर बची हुई हैं, इधर भी जब कलर्स हो जाएगा साफ़ सफाई होगा कंटिन्यू तो ये भी अच्छा लगेगा देखने में। अभी देखिएगा ये मार्ग जो है यहाँ से थोड़ा सा राइट की तरफ घुमा हुआ है, उसके बाद आगे से फिर से घूम के फ्लाई ओवर के ऊपर से निकल गया है। ठीक है, अब चलते हैं आपको थोड़ा सा दिखाते हैं फ्लाई ओवर के नीचे नीचे क्या चीज़ें आपको अपडेट किया गया है और क्या क्या। अभी इधर देखिए दोस्तों ये है इधर से फ्लाई ओवर ऐसे ऊपर से गया हुआ है, नीचे से जो सर्विस लेन दिया गया है ये देखिएगा, और ऊपर आप लोग यहाँ पे पढ़ पाइएगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हनुमानगढ़ी, आपको यहाँ पे बोर्ड देखने को मिलेगा, सीधे आप लोग जाइएगा, आप जो हनुमानगढ़ी भी जा सकते हो और राम मंदिर भी जा सकते हो। और अभी हम इधर से आ रहे हैं इस साइड से, यहाँ से आपको पूरा दिखाते हुए आ रहे हैं कि किस तरीके से जो है साइड साइड में डक्ट बनाए गए हैं उन पे जो है क्या चीज़ें जो है नई नई अपडेट की जा रही है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से बाकी चलते हैं इस फ्लाईओवर के नीचे, जितना चीज़ें अपडेट की गई हैं वो आपको दिखाते हैं। तो यह है फ्लाईओवर और इसके नीचे का व्यू देखिए एक बार, यहाँ पर देखिए देखो ये ग्रास वगैरह लगाई गई थी लेकिन मुझे लग रहा है टाइम से पानी नहीं डाल रहे हैं, ये देखिए सूख गए सारे ग्रास यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए काफ़ी जो है पौधे वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई गई थी, ये आप लोग देख पाइएगा, इधर भी आप लोग देखिएगा तो ये लाइटें वगैरह काफ़ी खूबसूरत तरीके से। अब ऐसा मुझे लग रहा है कि अब इस इधर का जो है काम रोके हुए हैं, क्योंकि इधर हम देख रहे हैं कि इसमें पेंटिंग वगैरह बनाना चाहिए था, आगे जो है पेंटिंग वगैरह काफ़ी अच्छे से बनाए हैं लेकिन यहीं पर जो है काम रुका हुआ है, जो कि इसको कम्प्लीट कर देना चाहिए था कलर्स करके पेंटिंग वगैरह करके। तो कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ये देखिए इधर ये पूरा जाली बना दिए हैं, क्योंकि जो कुछ काम की चीज़ें रहती हैं यहाँ पे यूज़ करने वाली उनको जो है इसके अंदर रखा जाता है ताकि कोई नुकसान ना कर पाए। तो कुछ इस तरीके से अभी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देखिए भाई काफ़ी प्यारा व्यू है, यहाँ पर भी जो है इसमें समय पौधे लगाए थे लेकिन अब फ़िलहाल इधर उधर हो गए हैं सब। और यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊँगा अंदर से, ये देखिएगा कुछ इस तरीके से अंदर का पूरा व्यू। इधर देखिएगा तो फूल वगैरह देखिए, ये पूरा गुलाब का फूल है, ये देखिए इधर गुलाब के फूल लगाए गए हैं, इधर देखिएगा एक पेंटिंग लगाई गई है और ये है गाय की पेंटिंग, लेकिन आपको देखकर ऐसा लगेगा कि भाई बिल्कुल रियल में है ऐसा ये पेंटिंग बनाई गई है, उसका बच्चा भी है गाय का और इधर गाय की पेंटिंग है ये देखिए, और एक इधर पेंटिंग बनाई गई इसी का हूबहू यहाँ पर बना दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये पूरा इधर नीचे का व्यू ये देख पाइएगा, बाकी निकलते हैं यहाँ से आपको थोड़ा वहाँ से आगे का व्यू दिखाते हैं। देखिएगा दोस्तों इधर फ्लाईओवर के नीचे ये देखिए अयोध्या नगरी करके इधर लोगो लगाया गया है ये देखिएगा, और इधर थोड़ा सा ये टूट जा रहा है, इसको रिपेयर कर देना चाहिए अब, और इधर भी अभी पूरा काम कम्प्लीट नहीं है, इधर कुछ अयोध्या का जो लोगो बना हुआ ऊपर उसको लगाना चाहिए, ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा इसके नीचे का व्यू। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर काफ़ी अच्छे से भाई डेकोरेट किया गया है, ये आप लोग चीज़ें इधर देखिएगा, इधर देखिए ये छोटे छोटे पत्थर लगा के, और इधर कुछ ये इस तरीके से नज़ारा दे दिया गया है व्यू देखने के लिए, मतलब फ्लाईओवर के नीचे इतना अच्छा डेकोरेशन और कहीं भी नहीं किया गया है। और मैं आपको थोड़ा सा इधर से दिखाता हूँ, अभी यहाँ पे आपको बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क हुई देखने को मिलेंगी, जबकि पार्किंग ये बनी हुई है सामने, ये पार्किंग है आप देख पा रहे हो अयोध्या की पार्किंग भाई ऐसी होती है, लेकिन लोग यहाँ पे खड़े किए हैं, यहाँ पे फ्री में रहेगा, यहाँ पे कुछ पैसे लगेंगे, ये देखिए इधर पहले इधर देखिएगा, ये मैंने आपको दिखाया था इधर सामने ही रेलवे स्टेशन का प्रवेश द्वार अयोध्या धाम जंक्शन, यहाँ से जा सकते हो, और नीचे कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया गया है ये देख पाइएगा, बहुत बढ़िया इधर देखिए पेंटिंग वगैरह लगाया गया है, ये देखिए इधर भी ग्रास वगैरह सब लगाए गए थे देखिए, लेकिन अगर पानी डालेंगे तो सही रहेगा नहीं तो सूख जाते हैं ये सब। अब इन सारे पौधों पर देखिए कितना इतना सारा जो है धूल वगैरह पड़ा हुआ है, इससे पानी डालना चाहिए सब सही हो जाएगी। यहाँ पे देखिए प्रभु श्री राम जी और माँ सबरी का जो है यहाँ पे पेंटिंग बनाई गई है कुछ इस तरीके से काफ़ी खूबसूरत, इधर कुछ लोगो बनाया गया है साइकिल का गियर वगैरह निकाल के ऐसा लगता है, और इधर भी दिखेगा ऐसी ऐसी पेंटिंग यहाँ पे बनाई गई है। तो ये है कुछ नीचे का पूरा व्यू, और इधर से जो है सीधा आप रामपथ वो सामने देखने को मिल रहा है वहाँ पर जा सकते हो, इधर पार्किंग है और इधर जो है
कुछ रेस्टोरेंट डोमेट्री वगैरह मिल जाएगा, इसके सामने ही जस्ट बिल्डिंग बनी हुई है, मैंने दिखाया था। तो ये था पूरा दोस्तों अपडेट जो कि मैंने आपको दिखाया। बाकी मिलते हैं और किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।